हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम आपको वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड की न्यू जानकारी, इसका टेक्निकल कौन सा है और टेक्निकल जो है उसका काम करने का तरीका क्या है, कौन सी फसलों पर कौन से कीटों की रोकथाम करता है और कौन कौन से इंसेक्ट की रोकथाम यह लंबे समय तक कर पाता है, और साथ ही बात करेंगे प्राइस के बारे में। और यदि मान लीजिए बरसात के दिनों पर यदि आप स्प्रे करते हैं सोलोमन इंसेक्टिसाइड को, तो स्प्रे करने के बाद कितने घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, इसके स्प्रे करने के बाद कीटों की हमारी जो फसल है कितने दिनों तक हमको रिजल्ट प्राप्त होंगे, कीटों की रोकथाम करके रखेगा यह कीटनाशक, और कौन कौन सी फसलों पर इसके बेहतरीन रिजल्ट हैं, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो रस चूसक कीट यानी सकिंग पेस्ट के साथ साथ इल्लियों की रोकथाम करने के लिए बनाया गया काफ़ी पॉपुलर कीटनाशक है। तो यह एक सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट कीटनाशक कैसे है, आइए समझते हैं। तो इस पर जो टेक्निकल है, इमिडाक्लोप्रिड 19.81% प्लस वीटासाइफ्लुथ्रीन 8.49% जो कि ओडी फॉर्म में आती है यानी ऑयल डिस्पर्सिबल फॉर्म पर आती है। तो जो इमिडाक्लोप्रिड है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो इमिडाक्लोप्रिड नियोनिकोटिन ग्रुप का अंतर प्रवाही कीटनाशक है जो कीटों के नर्वस सिस्टम में जाके काम करता है, और स्पेशल इमिडाक्लोप्रिड सकिंग पेस्ट के लिए बनाया गया काफ़ी पुराना कीटनाशक है। और इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन है वीटासाइफ्लुथ्रीन। वीटासाइफ्लुथ्रीन स्पेशल इल्लियों की रोकथाम करने के लिए बनाया गया कीटनाशक है। तो वीटासाइफ्लुथ्रीन एक सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप का, तो कह सकते हैं कि वीटासाइफ्लुथ्रीन कीटनाशक एक कॉन्टैक्ट कीटनाशक है और इमिडाक्लोप्रिड एक सिस्टमिक कीटनाशक है। तो यह दोनों टेक्निकल होने के कारण यह काफ़ी पॉपुलर के साथ साथ इसके रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से कीटों की यह रोकथाम करता है। तो यह मुख्य रूप से सेमी लूपर्स इल्ली, काली हरी छोटी वाली इल्लियों की रोकथाम करता है, और साथ ही एफिड जैसिड सूट बोरर फ्रूट बोरर गर्डल बीटल के साथ साथ स्टेम फ्लाई जैसे कीटों की रोकथाम करने के लिए यह काफ़ी अच्छा कीटनाशक है। और साथ ही बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप पर इस कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप धान, सोयाबीन, गिलकी, करेला, लौकी, भिंडी, अनार, अंगूर, प्याज, मिर्च, वैगन, टमाटर, तरबूज, कपास, बरबटी, बागबानी पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वेजिटेबल के साथ साथ रबी खरीफ की फसलें, तिलहनी और दलहनी क्रॉप पर आप इस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो डोज है, आपको एक एकड़ पर 200 लीटर पानी पर 100 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, यानी 15 लीटर पानी में बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 10 से 12 ml तक आप स्प्रे ले सकते हैं। यदि कीटों का अधिक प्रकोप है तो 15 लीटर पानी में 10 से 12 ml आप स्प्रे कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है, अलग अलग सिटी में अलग अलग राज्यों में इसका प्राइस कम और ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे ओवरऑल 100 ml का प्राइस मार्केट में लगभग 330 रुपये, 340 रुपये, 350 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। अब रिजल्ट टाइम की बात करते हैं। तो जैसे ही आपने अपनी फसलों पर इसका स्प्रे किया है तो 12 से 14 दिनों तक यह कीटों की रोकथाम करके रखती है। और यदि रेन फास्टनेस की बात करें, यानी हमने अपनी फसलों पर स्प्रे कर दिया, अब कितने घंटे यदि बाद बरसात हो जाती है तो रिजल्ट हमको पर्याप्त मिल पाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड आपने स्प्रे किया और 30 मिनट तक यदि बारिश नहीं होती है तो हमको काफ़ी अच्छे 100% रिजल्ट मिलते हैं, और 30 मिनट के बाद भी यदि बारिश हो जाती है तो यह जो दवाई है ओडी फॉर्म में आती है, यह तुरंत घुलती नहीं है और रिजल्ट भी प्रॉपर देती है। अब इसको, यानी वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड को आप कीटनाशक के साथ, फपून नाशक के साथ और टॉनिक के साथ भी चाहें तो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हमने आपको एक शानदार कीटनाशक जिसमें कॉम्बिनेशन इमिडाक्लोप्रिड और वीटासाइफ्लुथ्रीन कीटनाशक के बारे में डिटेल से विस्तार से समझाया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जय जवान, जय किसान।